देखिए एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एक इन्फॉर्मेशन है जो सुबह से लेकर अभी तक भी अपलोड नहीं की गई है। ये इन्फॉर्मेशन अब तक अपलोड हो जानी चाहिए थी, शाम के 8 बज गए हैं लेकिन इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अभी तक भी अपलोड नहीं की गई है। इन्फॉर्मेशन जो है वो है बीएससी से संबंधित फोर्थ मेरिट जो है वो जारी कर दी गई है एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की तरफ से फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर की, जो उससे संबंधित नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर है। तारीख आप देख सकते हैं 8 नवंबर 2021 आज की तारीख का ये नोटिफिकेशन है जो जारी कर दिया गया है, जिसमें लिखा है कि छात्र छात्राओं की चतुर्थ वरीयता सूची निम्नानुसार घोषित की जाती है। इससे आगे की इन्फॉर्मेशन भी इस नोटिफिकेशन के अंदर दे दी गई है कि आप अपना समर्थ वाला पोर्टल यूज कीजिए, ऑनलाइन मोड से आपको फीस डिपॉजिट करनी है। 14 नवंबर 2021 आपकी अंतिम तिथि है फी डिपॉजिट करने की, तो आपके लिए लास्ट डेट भी यहां पर निर्धारित कर दी गई है, लेकिन अभी तक भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर यह इन्फॉर्मेशन अपलोड नहीं की गई है। ये इन्फॉर्मेशन आपको या तो आज शाम अभी वेट कीजिए, मिल सकती है, नहीं मिलेगी तो कल मॉर्निंग में तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। यहां पर आपको ये भी बता दे, जिन स्टूडेंट ने फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर का फॉर्म फिल किया था और उनका नाम अभी तक भी मेरिट में नहीं आया था, तो वो अपनी मेल चेक करें, स्टूडेंट को मेल भेज दी गई है। जिन स्टूडेंट के नाम मेरिट में आए हैं उनको इन्फॉर्मेशन जा चुकी है, फॉरवर्ड हो चुकी है, लगभग उनका एडमिशन मान सकते हैं कि उनको हो गया, यदि यूनिवर्सिटी ने कोई गलती नहीं करी है। और आप अपना समर्थ वाला पोर्टल भी यूज कीजिए, जिनको मेल आ गई है, क्या आपको वहां पर फी पेमेंट का ऑप्शन मिल रहा है? यदि फी पेमेंट का ऑप्शन आपको मिल गया है तो फिर तो आपका 99% कंफर्म हो गया है कि आपका नाम फोर्थ मेरिट लिस्ट में आ गया है। लेकिन थोड़ा वेट कीजिएगा, जब ये मेरिट जारी कर दी जाएगी उसके बाद अपना नाम देख लीजिएगा, नाम देखने के बाद ही अपनी फी का पेमेंट आप कीजिएगा। आपको फी का पेमेंट कहां से करना है? समर्थ वाला पोर्टल यूज करना है, वहां से लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपको वहां पर फी पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। यदि आपको फी पेमेंट का ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आप यूनिवर्सिटी को मेल कीजिएगा, बताइएगा कि आपका नाम मेरिट में आ गया है, अपना सीरियल नंबर बताइएगा मेरिट का और अपना फॉर्म नंबर बताइएगा, अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी डिटेल है वो उनको फॉरवर्ड कीजिएगा और बोलिएगा कि आपको फी पेमेंट का ऑप्शन अभी तक भी नहीं मिला है। क्योंकि यहाँ पर जो फी पेमेंट की लास्ट डेट है वो 14/11 है और उसके आगे की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर लिख दी गई है नोटिफिकेशन में। यदि आप 14/11 तक अपना प्रवेश शुल्क जमा नहीं करेंगे, यानी अपनी फी डिपॉजिट नहीं करेंगे, तो 15 तारीख को 5वीं मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर लिख दी गई है। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं जो फर्स्ट मेरिट के स्टूडेंट है, सेकंड मेरिट के स्टूडेंट है, थर्ड मेरिट के स्टूडेंट है और जो फोर्थ के हैं, आपको भी इंक्लूड कर लेते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और दी गई है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट मेरिट वाले, सेकंड मेरिट वाले और थर्ड मेरिट वाले अभी तक भी इंतजार कर रहे हैं, उनके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, यहाँ पर लिख दी गई है, उसको हम पढ़ लेते हैं। उससे एक लाइन पहले से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि मूल प्रतियां कार्यालय में जमा करने के पश्चात ही प्रवेश स्थायी किया जाएगा। यहाँ तक पाठ ठीक है, उसके आगे जो बात लिखी है वो रीड कीजिए आप। जो कि दिनांक 8/11/2021 से परिसर में जमा किया जा सकता है। जी हाँ, तो ध्यान रखिए, पहली मेरिट के स्टूडेंट, दूसरी के और तीसरी मेरिट के जो बार बार पूछ रहे थे कि हमको कब जाना है डॉक्यूमेंट जमा करने, तो आपको अब 8/11/2021 के बाद परिसर में जाना है, अपने डॉक्यूमेंट आप जमा कर सकते हैं। उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी ने अपने इस नोटिफिकेशन के अंदर दे दी है, जो 8/11/2021 का नोटिफिकेशन है। तो आप इस इन्फॉर्मेशन को नोट कर लीजिए और साथ साथ जिनका नाम फोर्थ मेरिट में आएगा वो ये ध्यान रखिएगा, नीचे एक बात लिखी है, नोट लिखा है, यहाँ पे लिख दिया गया है, प्रवेश शुल्क जमा करने के पश्चात आपको जो आपकी फी रिसिप्ट है वो और जो भी आपके प्रवेश प्रपत्र है, प्रवेश प्रपत्र यानी कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो और जो भी आपके संबंधित डॉक्यूमेंट है जो आपने फॉर्म फिल करते वक्त अपलोड किए हैं, उन सबको आप यूनिवर्सिटी की जो नीचे मेल आईडी दी है इस पे मेल कर दीजिएगा, ये आपके लिए यहाँ पर लिखा गया है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो यूनिवर्सिटी को अब तक दे देनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक भी ये नहीं दी गई है। तो आप ध्यान रखिए, जो भी स्टूडेंट हैं, ये इन्फॉर्मेशन जारी करी गई है, ये हो सकता है आज ही अपलोड हो जाए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, हो सकता है कल अपलोड हो। जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन आएगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा, अभी तक यही इन्फॉर्मेशन थी आपको दे दी गई है। तो फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी अपने डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए यूनिवर्सिटी में अब जा सकते हैं, उनके लिए इन्फॉर्मेशन जारी कर दी गई है, यूनिवर्सिटी ने अपडेट दे दी है कि 8/11/2021 के बाद आप परिसर में अपने डॉक्यूमेंट जमा करा सकते हैं। तो ध्यान रखिए, आपके लिए ये खोल दिया गया है। यहाँ पर आप कंसर्न जो भी आपके डीन है उनको कॉल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर मिलते रहिएगा, थैंक यू। चलिए जाते जाते नमस्कार, सत श्री अकाल, सबका खैर, थैंक यू, धन्यवाद।